और युवाओं का जोश देखते हुए इस बात में मुझे कोई शक नहीं कि आने वाले समय में ये युवा भारत को दुनिया में नंबर एक पहुंचा देंगे। जय हिंद। देखिए भोपाल के कलेक्टर साहब भी आए हुए हैं अपने यहाँ पे, ये यहाँ से अब अपनी दूरी तय करेंगे बोट क्लब तक की। आजादी के 75 साल का अमृत महोत्सव थाना टीटी नगर, गाड़ी भी तैयार हो गई है अपनी। तो गाइस ये है अपनी नगर सुरक्षा समिति पुलिस टीटी नगर थाना, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और गृह मंत्री जी सभी लोग उपस्थित रहेंगे। तो पंडित जी आप बताएं यहाँ पे गुफा मंदिर के बारे में थोड़ा कुछ हमें। गुफा मंदिर बहुत प्राचीन स्थल है, धार्मिक स्थल है। अच्छा। तो 15 अगस्त क्यों मनाया जाता है? हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि इंडिया को फ्रीडम मिला था ब्रिटिश रूल से। या तो हिट रहेगा इंडिया, इसी के तहत मेरी घर घर तिरंगा और हर हर तिरंगा। बहुत प्यारा। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आर न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सारे? उम्मीद है सब बहुत बढ़िया हो गए और एक और नए ब्लॉग के साथ आ गए हैं हम लोग वापस। और अभी सुबह का टाइम हो रहा है 6:30 बजे का, और ये अपनी साइकिल जा रहे हैं भोजपुर क्लब, भोजपुर से बोट क्लब तक की पूरी तिरंगा यात्रा है साइकिल पे। तो अपन चल रहे हैं वहाँ पे, वहाँ पे अपन ने ज्वाइन किया था, तो अब जल्दी से पहुँचते हैं वहाँ पे और फिर आप लोगों से मिलते हैं। अपनी साइकिल ये है, चल पड़े हैं अपन, जल्दी से पहुँच जाते हैं वहाँ पे, अपने भाई लोग हैं उनसे भी मिलवाते हैं आप लोगों को चल के। गाइस अरेरा कॉलोनी अपन लोग पहुँच गए हैं, 2 मिनट का टाइम और लगेगा और अपन होंगे भोजपुर क्लब पे। तो चलो जल्दी से चलते हैं वहाँ से, फिर अपनी तिरंगा यात्रा स्टार्ट करते हैं भोजपुर क्लब टू बोट क्लब तक। पहुँच गए अपन लोग भोजपुर क्लब, तो ये लायन क्लब इंटरनेशनल आपका हार्दिक अभिनंदन करता है, और यहाँ पे पूरा अपना 75 साल जो उसकी तिरंगा यात्रा निकली है साइकिल पे, तो अभी उसको भी अपन दिखाते हैं, पूरा कवर करेंगे। यहाँ से भोजपुर क्लब टू बोट क्लब जाएगी वो। गाइस देखिए ये लोग हैं जो पूरा चल रहे हैं साइकिल से, ये यहाँ से अब अपनी दूरी तय करेंगे बोट क्लब तक की, चलेंगे इन सब के साथ। पर अभी अपने एक भाई है उनके पास जा रहे हैं पहले, और उसके बाद फिर निकलेंगे इन लोगों के साथ बोट क्लब के लिए। ये देखिए कितने लोग जा रहे हैं यहाँ से, पूरा सब तिरंगा लगा के अपनी साइकिल पे। बाकी ये कुछ लोग यहाँ पे खड़े हैं, अभी निकलेंगे और अपन भी इन लोगों के साथ फिर निकलते हैं यहाँ से जल्दी से। ये देखिए गाइस छोटे छोटे बच्चे भी इसके अंदर जुड़ रहे हैं साथ में तिरंगा यात्रा के लिए। ये देखिए भोपाल के कलेक्टर साहब भी आए हुए हैं अपने यहाँ पे। गाइस देखिए ये है अपनी भोजपुर क्लब की कमेटी पूरी, ये बाबा साहब अपने खड़े हैं यहाँ पे, बाबा साहब जी, और ये अपना पूरा भोजपुर क्लब, और ये अपने अमित भी हैं। क्या बात है, राइड फॉर प्राइड 75th ईयर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस पे यहाँ आयोजित की गई भोजपुर क्लब में, और यहाँ एक एक भारतीय महिला और पुरुष का जो जोश था वो उसमें ये बताना मुश्किल था कि किसके अंदर भावना देश के लिए ज़्यादा है। और ये देखते हुए और युवाओं का जोश देखते हुए इस बात में मुझे कोई शक नहीं कि आने वाले समय में ये युवा भारत को दुनिया में नंबर एक पहुँचा देंगे। जय हिंद। जय हिंद। थैंक यू सर। देखिए कोई है मिस मध्य प्रदेश आइकॉनिक गोल्ड, और कोई मिस मध्य प्रदेश इट्स अचीवर्स हैं, तो ये पूरे सब लोग यहाँ पे आए हुए हैं। और मैं भोपाल के कलेक्टर सर हैं। देखिए राइट टू प्राइड में आज़ादी का महोत्सव, और ये पूरा तिरंगे के स्टाइल में ये पूरा मेन गेट पे भी ऐसे पूरा सजाया हुआ है। और इधर देखिए, और ये हमारे अमित भैया। एंड नाउ यू आर वॉचिंग जसप्रीत सिंह ब्लॉग्स, इट्स अ वेरी अपडेट एंड वेरी स्मार्ट ब्लॉग्स, यू हैव टू वॉच। थैंक यू फॉर दिस। थैंक यू भैया। ये पूरा SPG अपनी जो स्पोर्ट्स प्रमोट ग्रुप है उस किया गया था ऑर्गेनाइज, और ये पूरा अपना राइट टू प्राइड आज़ादी का अमृत महोत्सव। गाइस घर में आ गया था, अब फ्रेशन अप हो गए हैं, नहा धो भी लिया है, अब यहाँ से सीधे अपन निकलते हैं गुरुद्वारे साहिब के लिए। आज संडे है तो अपन चलते हैं यहाँ से सीधे अभी गुरुद्वारे साहिब, और आपको गुरुद्वारे पहुँच के मिलते हैं। आप हक
बादशाह दरवेश गुरु गोविंद सिंह बादशाह। भाई जय हैं अपने राजा वीर और ये लंगर भाई खा रहे हैं अपने। क्यों राजा वीर जी? जी आज संडे, आज भाभी के साथ बना रहे हैं हम। चलो बढ़िया बढ़िया वीर जी, जस्सी भाई हैं, गुरु का लंगर खाते हुए हमारे जस्सी भाई। ये हमारे वंटी वीर जी, कैसे हो वंटी वीर जी? भाई मजे में। जस्सी भाई आप कैसे हो? जस्सी भाई एकदम हीरो अपने। अच्छा भाई तुम मेरा मुझे जान नहीं सकते ब्लॉग में बेटा, हम वो डाल देंगे कॉपीराइट। अच्छा हमको सिखा रिया है। लो अपन खाते हैं बाबा जी का लंगर, भाई लोग भी अपने खा रहे हैं सारे। जस्सी भाई कैसे हो? काटने पड़ गए थे भाई इतने नहीं जी। भाई सत श्री अकाल। बाय बाय। ओके बाय राजा वीर जी, सत श्री अकाल। बाय बाय। निकल गए अपन गुरुद्वारे साहिब से, अब चलते हैं यहाँ से घर और फिर आप लोगों से मिलते हैं। गाइस अभी अपन जा रहे हैं जस्सी भाई के साथ रैली में और यहाँ से अभी डलवा लेते हैं इसके अंदर टैंक फुल करवा लेते हैं अपनी बाइक का और फिर चलते हैं अपनी तिरंगा यात्रा के लिए। जस्सी भाई बैठे हैं गाड़ी पे और यहाँ से अपन कराते हैं अपना फुल टैंक बाइक का और फिर चलते हैं, है ना जस्सी भाई? अपनी फुल टैंक और अब चलते हैं यहाँ से सीधे अपन अपने घर के लिए। वो अंशुल भाई को लेते हैं घर से और फिर चलते हैं भाई की रैली में, है ना जस्सी भाई? चलो फिर चलते हैं। भाई जी देखिए ये पूरा स्केटिंग करते हुए तिरंगा रैली निकाल रहे हैं अपने यहाँ पे। जय मातरम। अरे 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 इंडिया तो हिट रहेगा इंडिया, इसी के तहत मेरी घर घर तिरंगा और हर हर तिरंगा, इसी के तहत मेरी जन चेतना यात्रा चल रही है। मैं सभी युवाओं को संदेश है कि अगर फिट रहोगे तो आप हिट रहोगे। और आप तो और कुछ संदेश देना चाहेंगे? संदेश यह है कि आप साइकिल चलाएं और हिंदुस्तान को प्रदूषण मुक्त बनाएं और इसी के तहत मेरी जन चेतना यात्रा चल रही है और डेली मैं यही एक कोशिश करता हूं कि डेली लगभग कम से कम 200 किलोमीटर यात्रा कर लोगों को संदेश दे सकूं। और इस समय जो घर घर तिरंगा हर हर तिरंगा के नाम पर एक मुहिम चल रही है जिसमें सभी लोग पूरा हिंदुस्तान भाग ले रहा है, मुझे खुशी है कि इसमें खिलाड़ी और सभी लोग जनता हिंदुस्तान की जनता बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। जय हिंद जय भारत जय हिंदुस्तान। थैंक यू सर। थैंक यू सर। क्या बात है। जज्बा है इस बार 15 अगस्त को लेके, इंडिपेंडेंस डे को लेके। यहाँ पे देखिए छोटे छोटे बच्चे। तो 15 अगस्त क्यों मनाया जाता है? एवरीवन अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। अब मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर देती हूँ कि इंडिपेंडेंस डे क्यों मनाया जाता है। इंडिपेंडेंस डे जो है हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि इंडिया को फ्रीडम मिला था ब्रिटिश रूल से, ठीक है, और हमारा जो इंडिपेंडेंस डे था हमें 15 अगस्त 1947 को मिला था। और इस बार का जो इंडिपेंडेंस डे है वो हम सबके लिए 75th इंडिपेंडेंस डे है जिसमें हमारे जो ऑनरेबल पीएम हैं मिस्टर नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने सबके लिए एक अभियान रखा है जिसमें आपका हर घर तिरंगा अभियान है, आज़ादी का अमृत महोत्सव। तो इस अमृत महोत्सव में हम सबको एक ये प्लेज लेना चाहिए कि हम हर घर में एक तिरंगा फहराएं जिससे कि हमें एक पैट्रियोटिज्म की फीलिंग आए, हम सब में एक यूनिटी की फीलिंग आए, सेल्फ डिपेंडेंसी की फीलिंग आती है, लोग बहुत खुश होते हैं। हमें अपने जो हमारे सोल्जर्स हैं जिन्होंने इतनी हमारे लिए आज़ादी के लिए जो लड़ते रहे, गवर्नमेंट ने जो ये स्टेप उठाया इस बार ये बहुत अच्छा स्टेप है। आप कहीं पर भी देख लीजिए, आज आप ऑटो है बस है हर जगह एक तिरंगा, सबकी एक मन में एक फीलिंग है, एक फ्रीडम की फीलिंग है।
सो लास्टली आई वुड लाइक टू से आई एम फ्रॉम इंडिया एंड आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन. वंदे मातरम. जय हिंद. थैंक यू सो मच. आजादी के 75 साल का अमृत महोत्सव थाना टीटी नगर गाड़ी की तैयार हो गई है अपनी और अब निकल रहे हैं यहाँ से अपन लोग अपनी तिरंगा यात्रा के लिए. मोदी जी की मुहिम जैसा है अपना, तो चलो यहाँ से चलते हैं. ये तिरंगे भी लगा लिए अपने गाड़ी पे. तो गाइस ये है अपनी नगर सुरक्षा समिति पुलिस टीटी नगर थाना अपना ये हर घर तिरंगा जैसे मोदी जी की मुहिम है तो उसके अंदर हम भी शामिल हुए हैं और ये हमारे अर्शद जी हैं. बाकी इसके बारे में बताएंगे. पुलिस कमिश्नर कंट्रोल रूम में हम लोगों को एकत्रित किया गया है और वहाँ से ही हम लोग तिरंगा यात्रा को लेके लाल परेड ग्राउंड तक जाएंगे. वहाँ पर हमारे पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और गृह मंत्री जी सभी लोग उपस्थित रहेंगे और हमारी यात्रा को रवानगी देंगे. हम थाने से मोहम्मद नसीम खान थाना संयोजक थाना संभाग संयोजक हैं यहाँ से और हम लोग बस प्रारंभ कर रहे हैं यात्रा. यहाँ से निकल रहे हैं थाना टीनर से. ओके. गाइस आ गए हैं अपन लोग लेक व्यू. वहाँ से फ्री होके इधर पहुँच चुके हैं. अब ये खड़े हैं. ये देखिए अपन के तिरंगे जो अपन ने अपनी भारत माता की जय. तो गाइस हम लोग आए थे. हमारा ये लेक व्यू है पूरा और यहाँ पे देखिए क्या माहौल हो रहा है. और गाड़ियों पे झंडे लगाए हुए हैं लोगों ने. हमने भी अपनी बुलेट पे लगा लिए हैं. ये अपने दो झंडे अपनी गाड़ी पे जो चल रहे हैं ये देखिए सामने से बहुत ही बढ़िया लग रहा है ये. और चलो अब चलते हैं यहाँ से सीधे आगे और आप लोगों को और माहौल दिखाते हैं. तो गाइस ये देखिए ये अपना क्रूज़ है भोपाल में बोट क्लब में जो यहाँ पे चलता है. इसमें भी पूरे तिरंगे से सजा के कितना प्यारा लग रहा है और ये कितना अच्छा लग रहा है. और ये अपने देश का तिरंगा कितना सही लग रहा है ये देखिए. ये देखिए गाइस यहाँ पे बोट क्लब में बोटों पे भी पूरे तिरंगे लगाए गए हैं. इधर भी आप देखेंगे तो पूरा बहुत अच्छा डेकोरेट किया गया है. और ये सामने अपना क्रूज़ तो चल ही रहा है जो भोपाल में फेमस बोट क्लब पे चलता है. और ये भी बहुत शानदार लग रहा है. अभी शायद कैमरा इतना कैप्चर नहीं कर पा रहा है पर रियल आप जब आप देखेंगे तो अच्छा लग रहा है. बहुत प्यारा दिख रहा है. भारत माता की जय. वंदे मातरम. तो गाइस देखिए ये अपना पूरा तिरंगा है. मोदी जी की जो मुहिम है हर घर तिरंगा उसमें ये देखिए अभी आपको हमने लेक व्यू दिखाया था. अब ये वीआईपी रोड पे देखिए क्या बढ़िया माहौल हो रहा है और क्या बढ़िया लग रहा है सब कुछ. अभी आपको सनरूफ के बाहर से दिखाते हैं. तो ये देखिए गाइस सनरूफ के ऊपर से ये देखिए गाइस ये अपने राजा भोज इधर और ये इधर पूरा देखो हर घर तिरंगा जो मोदी जी की मुहिम के हिसाब से और अपने नेता जी आगे बैठे हैं यहाँ पे. खेत खाली. तो गाइस ये पहुंच गए हैं अपन लोग यहाँ पे. अब चलते हैं मंदिर में ऊपर. ये जा रहा अपना भाई आगे और अपन लोग भी चलते हैं यहाँ से जल्दी से ऊपर और करते हैं यहाँ पे पूजा. तो गाइस ये देखिए ये अपन को पूरी ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाना है. ये अपना गुफा मंदिर है. ऊपर शंकर जी की दो गुफाएं हैं इसके अंदर. एक में नीचे बताया अभी हमें कि पानी भरा हुआ है तो ऊपर चल के आपको दिखाते हैं वो भी हम. और बहुत सीढ़ियाँ हैं यहाँ से ऊपर. अपना पूरा मंदिर है तो माथा टेकते हैं और यहाँ पर दर्शन करते हैं. तो ये मंदिर है गाइस. और देखिए आप कहाँ से चल के आए हैं अपन. अब चलते हैं अंदर. तो एक गुफा ये है इसमें पानी भरा हुआ है पूरा. ये देखिए लोग भी अंदर जा रहे हैं. अब चलते हैं अपन मंदिर के अंदर. माधवाय नमः. ओम नारायणाय नमो नमः. पवित्रेस्तो वैष्णव्यो सावित्रवाह वृषभ. ध्यान करें. ॐ वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं सुभारतिरस्वानिवदन्मनुज्ञानेन यदे
वीराय प्रभु राम हे मति तथा समसुद्ध पतित प्रभु मन्मथारी नयावतु मानाथ पादारविंदम भजंती है लोके परेवा नराणाम नताव सुखम शांति संताप न संप्रसीद प्रभु सर्व भूतादिवाशम तो पंडित जी आप बताएं यहाँ पे गुफा मंदिर के बारे में थोड़ा कुछ हमें। गुफा मंदिर बहुत प्राचीन स्थल है, धार्मिक स्थल है। अच्छा, गुफा मंदिर पे गोपेश्वर महादेव है, श्री रामचंद्र जी का दरबार है, लड्डू गोपाल जी महाराज हैं और लक्ष्मी नारायण भगवान की मूर्तियाँ हैं, हनुमान जी महाराज हैं। प्राचीन, बहुत प्राचीन स्थान है और यहाँ कम से कम करीब 300 से 400 विद्यार्थी रहते हैं। इनका निःशुल्क तो खाना पीना रहना पढ़ाई वगैरह सब फ्री है। अच्छा, महाराज जी की ओर से निःशुल्क। जय ठीक है पंडित जी, धन्यवाद। तो चल रहे हैं यहाँ से धीरे धीरे संभल के उतरते हुए ताकि पैर ना स्लिप हो जाए, और चलते हैं गाड़ी में। दर्शन हो गए, अभिषेक कर दिया बहुत अच्छे से और बड़ा अच्छा लगा यहाँ आके। अब चलते हैं यहाँ से वापस अपने घर की तरफ। तो भाई कैसे हो गए आपके दर्शन? बढ़िया हो गए भाई, अच्छा लगा पूरा। अच्छा, तो सुशील भाई आपके दर्शन कैसे हो गए ऊपर? बहुत शानदार, बहुत अच्छा अभिषेक हुआ। ठीक है गुरुदेव, बहुत अच्छी पूजा पाठ की। क्या बात है, सौभाग्य था हमारा। तो अब चले यहाँ से भाई घर को, है ना? चलो चलो चलो, गाड़ी अपनी रेडी है, चलते हैं अब यहाँ से घर के लिए। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार, अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है बस क्लिक हो जाना चाहिए।